नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हमारा पार्ट टू है क्लास एक्टिविटीज़ का। अगर आप अबेकस या वैदिक मैथी क्लासेस चलाते हैं तो क्लास में आपको स्टूडेंट को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, जिस पे हमारा पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से पार्ट वन देख सकते हैं। और तो हम बात करें, हम लोगों ने समझा था कि आप अबेकस वैदिक मैथ के अंदर क्लास में ये 10 एक्टिविटीज को आपको करानी चाहिए, जिसमें से फर्स्ट टू एक्टिविटीज टाइमर स्पीड और ओरल प्रैक्टिसेस, दो एक्टिविटीज हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हम लोग 3 एक्टिविटीज को और डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहली है स्पीड राइटिंग, रैंडम 5 नंबर, देन रैंडम 10 नंबर। ये 3 एक्टिविटीज को आज हम डिस्कस करेंगे कि इन्हें क्लास में किस प्रकार आपको कराना है। इस एक्टिविटी का क्या बेनिफिट है? आज की एक्टिविटी बच्चे के ब्रेन को, मेमोरी को, लिसनिंग स्किल को तेज करेगी। एक एक्टिविटी से बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है। सेकंड एक्टिविटी से जो मैं कराने वाला हूँ, आज सिखाने वाला हूँ, उससे बच्चे का मेमोरी पावर इंक्रीज होता है। और थर्ड जो एक्टिविटी मैं आज बताने वाला हूँ, उससे बच्चों का लिसनिंग स्किल सुधरता है। याद रखना, आज की एक्टिविटी से बच्चों को 3 एक्टिविटी बताने वाला हूँ, उसके 3 बेनिफिट हैं। बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है, बच्चों का मेमोरी पावर बढ़ता है, और बच्चों का लिसनिंग स्किल बढ़ता है। और तीनों चीज़ें वैदिक मैथ हो या अबेकस हो, तीनों चीजों का बिल्ट होना जरूरी है। तो आप अगर इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो फटाफट हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्टिविटीज। स्पीड राइटिंग के अंदर आपको बच्चों को स्पीड में लिखने का प्रैक्टिस कराना है। तो साथ में आपको यह भी चेक करना है कि जब भी आप स्पीड में लिखें तब बच्चे का कोई वर्ड रॉन्ग तो नहीं हो रहा है, बच्चा गलत वर्ड तो नहीं लिख रहा है। आपने स्पीड राइटिंग का केवल 2 उद्देश्य होते हैं, एक तो बच्चों को बहुत फास्टली लिखना, सेकंड लिखते समय क्या गलत हुआ है उसको चेक करना। अब इसका बेनिफिट्स क्या है तो हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट को स्पीड राइटिंग करने से उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल तेज होता है। जब भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब तेजी से एडिशन करते हैं अबेकस पे तो भी कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है, लेकिन जब स्पीड में बच्चा लिखता है तो उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन केवल उस वर्ड पर होता है, लिखने पर। सेकेंड चीज, जब बच्चा नेशनल या इंटरनेशनल या स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन देगा तो बच्चों को आंसर भी तेजी से लिखना होता है। आपको पता है हमारा अभी नेशनल कंपटीशन भी हुआ था अबेकस का, तो अबेकस में जब कंपटीशन होता है तो आपको पता है लिमिटेड मिड्स के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन करना ही नहीं होता, उसे लिखना भी होता है। इसकी वजह से स्पीड राइटिंग का प्रैक्टिस करना बच्चे के लिए जरूरी है। अब बात आती है कि स्पीड राइटिंग की प्रैक्टिस कराएं तो कैसे, उसके लिए कौन सी बुक की क्या रिक्वायरमेंट होगी, ये टॉपिक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्पीड राइटिंग के लिए बच्चों के पास एक स्पीड राइटिंग की नोटबुक होनी चाहिए। जैसा कि आप हमारे अभी पिक्चर में देख रहे हैं, ये स्पीड राइटिंग नोटबुक है जिसके अंदर बच्चों को स्पीड राइटिंग कराई जाती है। ये नोटबुक एक विशेष प्रकार से तैयार की जाती है, जिसमें रैंडम 5 नंबर, रैंडम 10 नंबर और स्पीड राइटिंग, तीनों चीज़ें आप करा सकते हैं। आपको सबसे पहले स्पीड राइटिंग कराना है तो कैसे करा सकते हैं? टीचर अपने बोर्ड पर कोई भी 10 डिजिट का नंबर लिखेगा, एक मोबाइल नंबर भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। अब बच्चों को आप बोलोगे कि आप अपनी स्पीड राइटिंग नोटबुक के अंदर इस नंबर को नोट डाउन करें। अब बच्चे नोट डाउन करेंगे अपनी स्पीड राइटिंग बुक में। अब बच्चों से कहना है कि मैं जैसे ही स्टार्ट बोलूं अपना टाइमर लेके रखना, बच्चों को 30 सेकेंड, 45 सेकेंड कम ही टाइम देना। तो आपने बच्चों को दिया 45 सेकंड का टाइम कि जैसे स्टार्ट बोलूं आपको बार बार लिखना है, और जैसे स्टॉप बोलूं तो आपको रुक जाना है। क्लियर? अब जैसे हम बच्चों को बोलेंगे स्टार्ट, तो आप देख सकते हैं कि बच्चे बहुत तेजी से उस नंबर को लिख रहे हैं, आपको वीडियो में भी नजर आ रहा है। तो बच्चे बहुत तेजी से लिखेंगे, पर बोलेंगे स्टॉप, अगर बच्चे ने 4 लाइन कंप्लीट की और 5th लाइन में केवल 5 ही नंबर लिख पाया, तो टोटल हम उसका मार्क्स कैसे देंगे? अगर पूरा 1 लाइन कंप्लीट किया है तो 1 लाइन में 10 नंबर्स है,
तो उसका मार्क्स होगा 10। अगर स्टूडेंट ने 4 लाइन कंप्लीट की है तो 40 मार्क्स हो गया। और यदि 5 कैरेक्टर ही वो कर पाया, नंबर से लिख पाया, तो हो गया 5। आप उसे मार्क्स 45 आप मार्क्स उसे दे सकते हैं। इस प्रकार से अब आपको इसको नेक्स्ट एक बार और रिपीट करना है, सेकंड पेज पर भी ये रिपीट करना है। और आप कोशिश करनी है कि बच्चों को ये बोलना है कि आपको स्वयं को हराना है। अगर आपने अगर 4 लाइन कंप्लीट की है तो नेक्स्ट टाइम आपका 5 लाइन होना चाहिए। आपका कंपटीशन दूसरे बच्चे से नहीं है, क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे होंगे तो उनका कंपटीशन वैसे भी नहीं हो सकता एक दूसरे बच्चे से। उनसे कहने आपको खुद को हराना है और आपको अपना रिकॉर्ड तोड़ना है। फिर आप रिपीट करेंगे स्टार्ट, वही प्रक्रिया फिर रिपीट होगी, तो आपको फिर मार्क्स देना है। अगर आपकी सेकंड टाइम फर्स्ट नंबर से ज्यादा किया है, जैसे फर्स्ट टाइम उसने किया था 4 लाइन कंप्लीट एंड 5 नंबर यानी 45 मार्क्स आया था, और सेकंड टाइम उसने 5 लाइन कंप्लीट की है यानी उसका स्पीड बढ़ा है, तो आपको नोटबुक में लिखे वेरी गुड, इससे बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो ये एक्टिविटीज है जो स्पीड राइटिंग करानी चाहिए, और इसके लिए आप ये नोटबुक का भी यूज कर सकते हैं। एक विशेष तौर पर एक चीज और बताता हूँ, स्पीड राइटिंग कराते समय आपको एक चीज और ध्यान रखना है। जैसे ही बच्चों का डायरेक्ट कंप्लीट होता है तो आप जब स्मॉल फ्रेंड स्टार्ट करें तो जो आपको 10 डिजिट देना है ना स्पीड राइटिंग के लिए, वो स्मॉल फ्रेंड देना। जैसे 1 का फ्रेंड 4, 2 का फ्रेंड 3, 3 का फ्रेंड 2। अब आप नंबर पे देख सकते हैं मैंने फ्रेंड्स लिखा है, बच्चा जब लिखेगा तो उसको फ्रेंड भी रिकॉल होगा। जब आप बिग फ्रेंड स्टार्ट करें तो 10 डिजिट दें तो आप बिग फ्रेंड के फॉर्मेट में देना, जैसे 1 का फ्रेंड 9, 2 का फ्रेंड 8, 3 का फ्रेंड 7। अब आप देख सकते हैं नंबर मैंने बिग फ्रेंड के फॉर्मेट में दिया है। यानी इस प्रकार स्पीड राइटिंग कराते समय स्पीड भी कराना है तो बच्चों को फ्रेंड भी रिकॉल हो जाएगा। तो इसे बहुत सारे बेनिफिट हैं स्पीड राइटिंग की कराने का। अगर आपके पास स्पीड राइटिंग की बुक नहीं है तो आप जब भी बच्चों का बुक से टूल मंगाए हम लोगों से, तो स्पीड राइटिंग की बुक्स भी आप परचेस कर सकते हो, बहुत कम प्राइस है। हाँ, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी रैंडम 5 नंबर। अब रैंडम 5 नंबर क्या और इसके बेनिफिट्स क्या है। रैंडम 5